वृंदावन धाम परिक्रमा करता केवल वृंदावन धाम की परिक्रमा का फल मिलेगा, लेकिन ये नवद्वीप धाम परिक्रमा का फल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति नवद्वीप धाम परिक्रमा कर ले गुरु वैष्णव का अनुगत करने आपको अपने आप श्री वृंदावन धाम परिक्रमा करता फल अपने आप आपको मिल जाएगी। वृंदावन का कौन सा स्थान ये है? बोले ये स्थान है गोकुल। गोकुल क्या है? जहाँ पर वो कृष्ण जहाँ पर अजन्मा होते हुए भी जहाँ पर कृष्ण चंद्र जन्म लिए थे वो गोकुल है। लेकिन अगर यहाँ पर जो व्यक्ति आ गया आपका गोकुल परिक्रमा करने का फल आपके ऊपर मिल गया, नवद्वीप धाम करने का फल तो मिला ही है लेकिन गोकुल परिक्रमा करने का फल भी आपको प्राप्त हो गया। अभी हमारे पूर्व में एक बार हम कथा कर रहे थे श्री भक्ति गोकुल श्री संत गोस्वामी महाराज बहुत एक अच्छी बात कह रहे थे। अगर कोई व्यक्ति गुरु वैष्णव के अनुगत से नवद्वीप धाम में आए भले और किसी जात का परिक्रमा करे और नहीं करे वो कहा करते थे यहाँ पर से चैतन्य महाप्रभु जन्म हुए। अगर इसको किसी ने गुरु वैष्णव के अनुगत में केवल इसको चार बार अगर कोई परिक्रमा कर ले तो विश्व ब्रह्मांड परिक्रमा करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये स्थान को बताए जैसे एक एक कमल फूल है, जैसे कि कमल फूल जैसे अंतर की मतलब कमल का जैसे बीज है लेकिन उसमें आठ पंखुड़ियां है, उसमें आठ पंखुड़ियां है, उसी तरह नवद्वीप जो ये जो स्थान है ये एक कमल फूल का भाती है जहाँ पर कृष्ण चंद्र ने जन्म लिया और उसमें जो आठ पंखुड़ियां है ये जो नवद्वीप जो धाम है यदि ये मूल कर्मी का और ये आठ पंखुड़ियां है। बोले भैया ये धाम का विशेष महत्व क्या है? बोले ये धाम का इतने महत्व शंकर जी ये पार्वती की ये बात कह रहे हैं कि अनंत संहिता ग्रंथ में देखो शंकर जी क्या कहते हैं। बोले पार्वती ये बात विश्वास होना दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत कठिन, लेकिन मैं ये एक रहस्य बात मैं बताता हूँ। शंकर जी पार्वती को कहते हैं बोले पार्वती ये विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे तीर्थ हैं इतने तीर्थ हैं विश्व ब्रह्मांड में बोले 6 अरब।